और राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस खेमे में उबाल का माहौल है। इधर झारखंड कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर रांची के मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका के समक्ष संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्र की नीतियों का विरोध किया। मौके पर कांग्रेस के कई नेता और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनसे खास बातचीत की रांची से रफ्तार मीडिया सहयोगी शंकर ठाकुर ने। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। आज मैं मोरहाबादी के बापू वाटिका के पास हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कहना चाहूँगा कि दिखाए अपने सहयोग कि कांग्रेस के जो झारखंड के कांग्रेस जो पार्टी है वो संकल्प सत्याग्रह के रूप में आज आंदोलन के रूप में यहाँ कर रहे हैं। सत्याग्रह बैठे हुए, देखिए डरो मत पोस्टर और नारे के साथ लोग बैठे हुए हैं, नो फायर, डरो मत। या पुरुष हो या महिलाएं हो, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और बैठे हुए हैं शांति तरीके से। वहीं मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जैसे मांडर क्षेत्र हुआ और भी सुदूर इलाके से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं, सत्याग्रह बैज लगा के नो फायर और डरो मत के पोस्टर के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। वहीं बापू के जो गीत है सीताराम का जो एक गीत है ना, वो भी हल्के शॉर्ट में बज रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जैसे मैं बात करूंगा कि मांडर के विधायक, पूर्व विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री जो रह चुके हैं बंधु तिर्की जी, उनसे मैं बातें करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ये बैठे हुए सत्याग्रह में। सबसे पहले ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि संकल्प सत्याग्रह के रूप में आज बैठे हुए हैं, क्या कुछ है लेकिन? देखिए, जिस तरह देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, सारे एजेंसी जो जांच एजेंसी है ये तमाम एजेंसी को प्राइवेट एजेंसी की तरह काम कराया जा रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम चीज़ें। हाल के दिनों में जो एक अब जिस तरह घटना आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ, उनकी सदस्यता चली गई, ठीक है कोर्ट का मामला था, कोर्ट तय किया है, लेकिन और भी चीज़ों में जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, मैंने अगर कहा जाए चाहे वित्तीय संस्थान से लेकर के तमाम चीज़ों पर कब्जा जिसको कहा जाए, साथ साथ अगर कहा जाए कि सीधी सीधी बात है भाई, आप कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा देश को उनके ऊपर आप गिरवी करा रहे हैं, माने ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का आप करवा रहे हैं पूरा। तो इसीलिए हम सवाल आदरणीय राहुल गांधी का मेंबरशिप चला गया, राहुल गांधी जी का सदस्यता चला गया, ये चला उसका नहीं है। हम इस देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज लगातार संघर्ष कर रही है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ों को सवाल उठाया गया उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराया जाए और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज भी सत्याग्रह का हम लोग यहाँ पर गांधीवादी तरीके से हम लोग हैं, क्योंकि गांधीवादी में आज भी सार्थकता है और हम लोग उसी के रास्ते कदम पर इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा इसी को लेकर के हम ये सत्याग्रह करके हम आम जनमानस में जो हालात है इस हालात को आम लोगों तक ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की भाजपा पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है वो संविधान आज भी जिंदा है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा के द्वारा एक से एक सीबीआई हो, ईडी हो, सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी पे और भी पार्टियों पर ना उन्हें प्रहार कर रहा है और डरा धमका करके उन्हें पार्टी में शामिल भी कराता है। तो निश्चित रूप से भाजपा की विरोध, नरेंद्र मोदी की विरोध, हम लगातार एसी विभाग कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान छेड़ रखा है कि बाबा साहब के दिया हुआ संविधान है, हम डरेंगे नहीं, हम मजबूत से लड़ेंगे।
भाजपा का जिस तरह से निरंकुश शासन वो करना चाह रहे हैं मोदी जी, हमारे राहुल गांधी जी, हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आवाज़ है वो, और उनके आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग सभी चारों दल मिल करके हम इस देश में लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे राहुल जी के साथ हम लोग खड़े हैं, और इस तरह का निरंकुशता कितना भी भाजपा दबाने की कोशिश करें वो अपने करने के सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। राहुल जी ही एकमात्र आदमी है हमारे नेता जो हमारे हक के लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, और मोदी जी को सामने से जा कर के सीना 56 इंची का करके आक्रमण करते हैं। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ राहुल गांधी के लिए हो पाती है या कांग्रेस के लिए हो पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी दीपक के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे।